टाइटेनियम जनरल आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है एक और बार एक और गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम बोला सीखने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट टाइप गेम जिसका नाम है मल्टीक्राफ्ट। और गाइस अभी आप सभी लोग को याद होगा कि मैंने लास्ट वाले एपिसोड में आप सभी लोग को एकदम तगड़ा सा डोर वेल बनाना सिखाया था जो कि एकदम 100% वर्किंग थी। तो गाइस आज सभी लोग को सिखाने वाला हूं एकदम स्टाइलिश कपबोर्ड यानी कि अलमारी कैसे बनाए, अलमीरा मतलब इंग्लिश में जो लोग अलमीरा बोलते हैं और हिंदी में हम लोग अलमारी भी कहते हैं। तो मैं आप सभी लोग को सिखाने वाला हूं तीन टाइप की अलमीरा। तो उसके लिए चाहिए आपको ब्लॉक्स, डोर और चेस्ट। तो पहली अलमीरा की स्टाइल है कुछ ऐसी जो कि आप अपने घर के दीवार के अंदर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दो लेयर ब्लॉक कर दिए हैं, मतलब दो लेयर मतलब आप सभी लोग को समझ कैसे समझाऊँ मैं। ओके मतलब मैंने ये दो ब्लॉक्स लिया है एकदम सीरीज में और मैंने ऐसे चार ब्लॉक कंटिन्यू किए हैं रो में। तो अब हमें क्या करना है, जो बीच के दो ब्लॉक्स हैं ना उन लोग को हमें तोड़ देना है। ठीक है, अगर ये समझो कि आपके घर की ये दीवार है तो आपको ऐसा समझ के करना है और फिर बाहर की तरफ दो डोर लगा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लगा देना है दो चेस्ट जिसके अंदर जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो गाइस हमारा पहला वाला जो अलमीरा है वो तैयार हो चुका है। तो भाई साहब आप सभी लोग इसका लुक देख लो। तो गाइस अभी हम बनाने वाले एकदम दूसरी स्टाइल का अलमीरा जो कि होगा कुछ इस तरीके का, जो हम पूरा का पूरा वुडन डोर से बनाने वाले हैं जो कि पूरा मतलब वुड का दिखेगा, एकदम असली सा दिखेगा। तो एक डोर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पीछे की तरफ लगाएंगे, नहीं मैंने गलत लगा दिया, ओके एक पीछे की तरफ और एक उधर, फिर एक और डोर लगाएंगे इधर को, शायद से मैंने गलत लगाया पर कोई बात नहीं हम उसको चेक कर लेंगे। फिर एज ऑलवेज दो डोर यहाँ पर एक सामने और यहाँ पर एक सामने। ठीक है, एकदम सही सही से सारे के सारे डोर लग गए। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली बस इसके अंदर चमने चेस्ट रख देना है। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना मैंने इस अच्छे वाला डोर गलत लगाया है, तो इस डोर की वजह से मैं आगे की तरफ उस तरफ एक चेस्ट नहीं लग रही है। मैं क्या करता हूँ अभी इस वाले डोर को है ना यहाँ से तोड़ देके काम ना राइट कलर वाला डोर है ना उसको। ठीक है, अब हम इसको अंदर की तरफ से लगा देंगे क्योंकि क्या होता है जब हम सामने वाले ब्लॉक पर डोर लगाते हैं तब नीचे चेस्ट है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाती क्योंकि जो अंदर वाला ब्लॉक में हमने जो डोर लगाया होता है वो ऑलरेडी उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीसरी डिज़ाइन। तो गाइस अभी हम बनाने वाले अपनी चौथी डिज़ाइन जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो गाइस आप सभी लोग उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और गाइस अभी मैं आप सभी लोग को इस अलमारी को ऊपर से कवर करना सिखा रहा हूँ, तो ये भी आप बात देखिए ध्यान से। आपको इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट या फिर कारपेट लगा देना है जिससे कि आप सभी लोग इस अलमारी को ऊपर से कवर पर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इस सारे ब्लॉक को भी तोड़ देते हैं, इसको और इसको यहाँ पर एक और बार डोर लगा देते हैं। ठीक है, चलो भाई तो हमारा देख पा रहा आप सभी लोग के ऊपर से अपना अलमारी कैसे कवर हो गया है। और मैं अपनी वाली साइड पर कवर करना भूल गया पर मैंने पीछे वाली साइड पर तो कवर कर लिया है, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइम। तो कैसे मैं इस वाली स्टाइल के लिए चाहिए बस एक एक्स्ट्रा रिंग जो कि है माइक्रो स्लैब और माइनक्राफ्ट वाली इसमें कारपेट यूज कर सकते हैं। तो गाइस हमें कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स लगाने हैं जैसा कि मैं आप लगा रहा हूँ, चार ब्लॉक्स लगाना है मतलब एकदम इक्वली मतलब बड़ा सा स्क्वायर बनाना है चार ब्लॉक्स को लेके कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक इधर, एक उधर, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब हमें ना चारों साइड एकदम माइक्रो स्लैब लगा लेना है और माइनक्राफ्ट वाले कारपेट लगाए जिससे कि मतलब अपनी जो जगह है वो पूरी ढक जाए। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि मैं अभी सारे के सारे कारपेट्स वन बाय वन लगाता जा रहा हूँ जिससे कि क्या हमारे ब्लॉक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा मेन आइडिया, हम लोग क्या करेंगे ऊपर से पहले उसकी रूफ बना देते हैं, काम करते हैं पहले ऊपर फ्लाइंग मोड एनेबल कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने गेट लगा दिया है और उल्टा लग गया था। ओके गाइस अब गेट सीधा लग चुका है और अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और ऊपर की तरफ है ना अपना माइक्रो स्लैब लगा दूंगा जिससे कि क्या है अपनी जो अलमारी है ना वो ऊपर से खुली ना रहे। ठीक है, और गाइस अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें अलमारी जैसा क्या है, तो अब देखना मैजिक। देखा अभी मैंने सारे के सारे ब्लॉक्स को तोड़ दिया, मैं अभी सारे के सारे ब्लॉक्स को तोड़ रहा हूँ, देखा तो भी मतलब सारे के सारे जो कारपेट और माइक्रो स्लैब है वो खड़े के खड़े रहे हैं। ठीक है, और ये देखो भाई चेस्ट भी लग गया और आपके छुपने की जगह भी बन गई। अगर आप यहाँ पे आयरन डोर लगाते हैं तो आपका कोई फ्रेंड खोल नहीं पाएगा। ठीक है भाई, कितनी मस्त सी लग रही डिज़ाइन और ये इसका फाइनल लुक चारों ओर से। ये देखो भाई मस्त सा लग रहा है मतलब ये वाली अलमारी तो। ठीक है, ये देखो चेस्ट में कोई भी सामान स्टोर करना खोला बंद कर दिया। ओके तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में ना, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से मुझे वहां पर भी जाकर फॉलो कर दे। तो खैर गाइस आज की इस वीडियो में ना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।